एनसीआर में कोरोना के बढ़ते हुए मामलों से मथुरा में स्वास्थ्य विभाग सक्रिय हो गया है। कोरोना से लड़ने के लिए जनपद के स्वास्थ्य केंद्रों पर रिहर्सल भी किया गया। कोरोना वायरस ने एनसीआर में फैलना शुरू कर दिया है, क्योंकि बड़ी संख्या में एनसीआर से श्रद्धालु कान्हा की नगरी मथुरा में घूमने आते हैं, तो इससे स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट हो चुका है। कोरोना से प्रभावी रूप से निपटने के लिए कोरोना से लड़ाई के साधनों को भी सक्रिय किया जा रहा है और इसके लिए बकायदा जिले के स्वास्थ्य केंद्रों पर रिहर्सल की जा रही है। इस विषय में जानकारी देते हुए सीएमओ डॉक्टर ए.के. वर्मा ने बताया कि एनसीआर से आने वाले श्रद्धालुओं के साथ साथ जनपद के स्कूलों पर भी खासी नजर रखी जा रही है। बीएसए और डीआईओएस के माध्यम से विद्यालयों में कोरोना के लक्षण वाले बच्चों की पहचान की जा रही है। उन्होंने बताया कि इस समय जनपद में कोरोना के 6 मामले हैं, जिनमें से 2 बाहर के हैं। एनसीआर के नज़दीक है और हमारे यहाँ श्रद्धालुओं का आना बहुत लगा रहता है, तो हम लोग तो पहले से ही सतर्क भी हैं। आज भी हमारे यहाँ 6 केसेस हैं, जिसमें 2 केस हमारे बाहर हैं। वर्तमान में जनपद में केवल 4 ही केस हैं और हर संभव हमारा प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग कराएं। जन जागरूकता, हम लोग हर स्तर पर जन जागरूकता के लिए प्रेरित कर रहे हैं, कोविड प्रोटोकॉल फॉलो हो। खासतौर से स्कूलों में विशेष ध्यान देने के लिए डीआईओ साहब और बीएसए से भी अनुरोध किया गया है, कोविड प्रोटोकॉल, हाथ धोए जाएं, सैनिटाइजेशन का प्रयोग किया जाए। तो हर माध्यम से हम लोगों का प्रयास है कि पहले तो कोरोना यदि किसी को होता है तो उससे दूसरे में ना फैले। इसके लिए हमारा समय से टेस्टिंग, काफ़ी तादाद में टेस्टिंग भी करा रहे हैं।